शॉर्ट्स और अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि पापा ने कहा है कि बाहर आओ और गार्डन का पानी देखो। और यहाँ पर पापा पानी दे रहे हैं गार्डन को। ओके और यहाँ पर हो रहा है पेंट, रिपेयरिंग हो रही है कसरे शहजाद की। और यहाँ पर बन रही है चटनी, सुबह का नाश्ता बनने वाला है क्योंकि हमारे घर आज मेहमान हैं। तो मैं जा रही हूँ चाची को बुलाने ताकि वो आएँ और रोटियाँ बनाएँ। और चाची बना रही है रोटी और बहुत खूबसूरत रोटियाँ बनाई हैं। चाची ये आटा तो थोड़ा है। और ये है हमारा कुर्बानी का जानवर, 3 महीने रहते हैं। नहीं मुझे नहीं चाटना प्लीज़, मैं आपकी रोटी नहीं हूँ। न्यू बॉर्न बेबीज थे, अब ये बड़े हो गए। लेट्स गो, वापस जा रही हूँ मैं। आज हमारे कसरे शहजाद में जो है वो सफाई हो रही है, क्योंकि हमारे घर कोई आ रहा है। गार्डन में जा रहे हैं क्योंकि आज पापा ने मुझे एक टास्क दिया है कि ये कटर उठाओ और जो गुलाब सूख गए हैं ना उनको काट दो, अदरवाइज़ अगर ना काटे जाएं तो गुलाब का पौधा जो होता है ना वो नए गुलाब नहीं उठाता। हेंस लेट्स स्टार्ट आवर टास्क फ्रॉम हेयर। अब मैं बैठ के इसको गार्डन की एक सिंपल सी मिसाल है कि अगर इसे लगातार पानी दिया जाए ना, तो इधर ना ये है मोतिया का पौधा, और मोतिया के पौधे को से पता लग जाता है अगर इसे पानी डेली दिया जाए ना तो इस पर फूल खिल जाते हैं। और अब देखें जैसे उस पर नज़र आ रहे हैं। और अगर इस गार्डन को डेली पानी ना दिया जाए तो यहाँ पर फूल नहीं खिलते। ये देखें आज मुझे नज़र आ रहे हैं, तकरीबन कोई महीना हो गया, मैं महीने बाद यहाँ पर फूल देख रही हूँ। और इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। इट इज़ डन माय टास्क, उसको भी मैं सीधा करती हूँ। बाकी स्विमिंग पूल की सफाई करवाते हैं और सून मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर पानी और स्विमिंग पूल, और विल एंजॉय स्विमिंग। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कसरे शहजाद का मेन गेट, यहाँ से ये व्यू आता है इस गेट से। और ये है अबू जी की कब्र। कसरे शहजाद का पुराना नाम जो था ना वो बलोच फार्म्स के नाम से रखा गया था, लेकिन जब इसको कंप्लीट किया गया तो इसका नाम हो गया कसरे शहजाद। और अब मैं इसका गेट बंद करूँ। थी सुबह से हो रही थी सफाई और पानी भी दिया है, अब यहाँ से उठाना है ये गांव गेट से आता है जो भी मैंने आपको दिखाया। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। 2 hours later और अब मैं आई हूँ बाहर। दोपहर का टाइम है और दोपहर पीक पर है, और मम्मा ने कहा है सालन में डालने धनिया, तो धनिया तोड़ के आओ। और चंदा मेरे प्याज में से गंध निकाल लिया ना, अभी खड़ा है लेकिन कम है। लेकिन कम है। और यहाँ पर मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं, और ये चंदा ने तोड़ दिया है धनिया। चलो
हो जाएगा काम। चलो हम तो चलें चलें। हमारे मेन्यू में हैं चावल जिसके प्याज डाले हुए हैं और सालन। सालन जो है वो बन चुका है, हाथ देता था। और बाय बाय। One hour later. यहाँ पर खाना रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Later. और वेलकम बैक वंस अगेन। क्योंकि सुबह से मैं कैमरे से गायब थी और कैमरे के सामने इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ था और सारा दिन मैं लाइटनिंग है, आ रही है जा रही है, अभी भी लाइटनिंग है। तो ना पिछला व्लॉग एडिट हो रहा था क्योंकि लाइट की वजह से जो है ना यहाँ पर आज टेलीनॉर के सिग्नल भी नहीं है और इसलिए मैं आज कैमरे से गायब थी। और मैं अब नहाई हूँ और बाल सुखाए और मैं अब कैमरे के आगे हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरा व्लॉग इंजॉय करेंगे। अभी आने वाला है, अब हम चलते हैं गैराज में, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर दाने हैं। लेकिन जो है ना आज हार्वेस्टर जो था उसको भी कोई मसला हो गया था, ख़राब हो गया था, तो सेकंड हार्वेस्टर लगाया इसलिए अभी तक दाना है, वरना गिराज फुल होता, अभी तक थोड़े हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। एक गंदम आज निकली है हार्वेस्टर से, आज हार्वेस्टर भी ख़राब हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी गंदम निकली है, वरना ये गिराज फुल होता है। और यहाँ पर सफाई हो गई है और ये रेस्ट करें। खुड्डा, ये मेरे से खुल भी नहीं रहा। जी और आज मेरी ड्यूटी लगी है अंडे उठाने की। बहुत गंदी स्मेल है और वो वाला अंडा भी पड़ा। निकल गई, सारी निकाल दी मैंने जो पता। और ये है कमाई और उसे सारी निकल गई है। मम्मा सारी मुर्गियाँ निकल गया। बिल्ली कितनी फ्रैंक है, सारा दिन मुर्गियों के साथ खेलती है, उनके साथ खेलती है। अब शाम हो गई है ना, फिर अब वो घर जा रही है वापस। आपको पसंद नहीं आ रहा मैं बोल रही हूँ? नहीं, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। ये इंतज़ार करेगी जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगी घर के अंदर, तब तक ये नहीं जाएगी। चलो चलें, आ जाओ, आओ चलें, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलो चलो। आज ये सारा साफ हो चुका है, और ये वाला गंदा अभी उठा लेगी। मैं अंदर आ गई हूँ लेकिन एज यूजुअल थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है और लाइट चली गया और शाम भी हो गई है, साथ ही 6:30 हो रहे हैं। A few moments later. पर अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया क्योंकि 7:30 हो गए हैं। और मुझे गार्डन का सीन बहुत ज़्यादा पसंद है। और पीछे लाइटें जला रही हैं और ये गिरी पड़ी है, सैड। और इतनी अच्छी हवा चल रही है और चुपचाप है। की होस्ट दुआ जहरा, देख रही हूँ क्या हो रहा है और सोच रही हूँ कि अपने ब्लॉग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ। और कोई सोल्यूशन हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स करके। बाकी घर में सारे परेशान हैं अबाउट पॉलिटिक्स एंड आई डोंट नो क्या हो रहा है।
2000 years later. और रात का अब जो है वो आखिरी काम हो रहा है जो कि होता है दूध बॉईल करना, और फिर मम्मा सबको पिलाएंगी दूध बॉईल करके और फिर हम सो जाएंगे। और ये गांव में रात का मेन्यू होता है। और उसके साथ आज का व्लॉग जो है वो मैं यही एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में। होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आए। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।